अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आज सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुना दिया है। नवाज शरीफ को उसकी पार्टी की सदारत से भी नाहल कर दिया है। आज की ताज़ा न्यूज़ और अपडेट है। यूँ तो हमारा चैनल स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बारे में है, लेकिन जो कि आज का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की तरफ से दिया है, बहुत ही अहम फैसला है। लिहाजा हम भी समझते कि इसके मतलब कुछ वीडियो बनाई जाए, लेटेस्ट न्यूज़ है ये आपको न्यूज़ दी जाए। तो मुस्लिम लीग नया कायद मुंतखब करके आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तरीके इंसाफ की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि आज का फैसला हर लिहाज से तरीकी है और तरीक रकम करने के लिए अदालत उज़्मा की तारीफ की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के तीन रुकनी बेंच ने इस तरीकी फैसले से एक अहम असूल तय कर दिया है। बयान में यह भी कहा गया है कि मुस्लिम नवाज ने पार्टी की सदारत के लिए नाहल शख्स को रास्ता खोलकर सियासत को दागदार करने की कोशिश की गई थी। मुस्लिम लीग नून को नई साजिश करने की बजाय इस फैसले को तस्लीम कर लेना चाहिए और नया कायद मुंतखब करके आगे बढ़ना चाहिए। इस फैसले से जहां इनकी सियासत को बड़ा दचका लगा है, वहीं महाज अराई की एक राह भी हमवार हुई है और इसका बिलवास्ता फ़ायदा पीटीआई को भी हो सकता है, क्योंकि बड़ी देर से ये कहा जा रहा था कि पीटीआई को एक किक की ज़रूरत है। एक ऐसे किक की ज़रूरत है जहां जिसमें बड़ा फैसला आए या कोई बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बने, जो पीएमएल को एक बड़े दचके की शक्ल में बर्दाश्त करना पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत से नाहल कर दिया है। तो ये आज की ताज़ा अपडेट थी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।